क्यों 5G में एयरटेल जियो को पछाड़ देगी। और आज अब एक ऐसे प्रैंक को देखने वाले हैं जिसे हमारी प्लेनेट अर्थ पर किया ही नहीं गया था। और क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर ट्रू कॉलर कॉल आने से पहले ही हमें ये कैसे बता देता है कि कौन सा इंसान हमें कॉल करने वाला है। मिलेगा सबका जवाब। चलिए शुरू करते हैं आज के रैंडम फैक्ट के अध्याय को। फैक्ट नंबर 20। दोस्तों जब भी किसी भी इंसान की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और अगर उस कंडीशन में डॉक्टर भी जवाब दे दें तो अक्सर लोग ईश्वर से प्रार्थना करना शुरू कर देते हैं। लेकिन बात अगर टोंगा कंट्री की जाए तो क्या आपको पता है कि उस कंडीशन में वहां पर तो मामला एक्सट्रीम लेवल पर ही पहुंच जाता है। असल में दोस्तों टोंगा कंट्री की एक परंपरा के अनुसार अगर किसी भी इंसान की तबीयत हद से ज्यादा खराब हो जाती है तो उसे जीते जी कुछ इस तरीके से ताबूत में डालकर उसका एक फेक फ्यूनल कर दिया जाता है। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इन लोगों का कुछ ऐसा मानना है कि ऐसा करने से ये मृत्यु के देवता को चकमा दे देते हैं एंड एज अ रिजल्ट वो इंसान जो लगभग खत्म होने की स्थिति में होता है वो भी एकदम से जी उठता है। और यही वो कारण है जिसके चलते हुए इस अजीब से काम को यहाँ पर बहुत बड़े स्केल पर किया जाता है। अजीब लेकिन सच। फैक्ट नंबर 19। दोस्तों आपने अक्सर लोगों को अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए किसी भी टेंपल के पेड़ पर धागा या फिर चुनरी बांधते हुए तो जरूर देखा होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे देश भारत में एक ऐसा टेंपल भी मौजूद है जिसके पेड़ पर चुनरी या फिर धागा नहीं बल्कि जूते और चप्पलों की माला को चढ़ाया जाता है। असल में दोस्तों ये टेंपल है भारत के कर्नाटक में मौजूद लकम्पा देवी टेंपल, जहाँ की एक मान्यता के अनुसार अगर यहाँ पर कोई भी श्रद्धालु इस पेड़ पर जूते और चप्पलों की माला को चढ़ाएगा तो उसकी मनोकामना काफी जल्दी पूरी हो जाएगी। और यही वो कारण है जिसके चलते हुए इस टेंपल में हर साल दिवाली के आसपास फुटवेयर फेस्टिवल को भी आयोजित किया जाता है। सच में अमेजिंग। फैक्ट नंबर 18। दूसरी सीरीज में मैंने आपको एक से बढ़कर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड तो दिखाई ही हैं और उसी की तर्ज पर आज मैं आपको एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड दिखाने वाला हूं जिसे देख आप भी उस वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले शख्स की तारीफ जरूर करेंगे। मिलिए जमैका में रहने वाले ऐशरिता फुरमान से, जिनके की नाम कुछ इस तरीके से 30 सेकंड में एक चेयर पर बैठ कर अपने बट से 50 बैलून्स को फोड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल है। उससे भी ज्यादा अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इनके सिंपल से दिखने वाले वर्ल्ड रिकॉर्ड को अभी तक कोई भी इंसान ब्रेक नहीं कर पाया है। क्या आप इनके वर्ल्ड रिकॉर्ड को ब्रेक कर सकते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 17। दोस्तों रात में मच्छरों के भिनभिनाने की आवाज अक्सर हमें इरिटेट कर देती है, लेकिन क्या आपको पता है कि अगर आप इसी चीज को माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो यही इरिटेट करने वाली चीज आपको किसी खूबसूरत नजारे से कम नहीं दिखेगी। नहीं समझे तो डोंट वरी, मैं हूं ना। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको एक मॉस्किटो की विंग को माइक्रोस्कोप से दिखाया जा रहा है और इसमें आप बेहद साफ तौर से इसकी विंग्स के अंदर की डिटेल्ड बनावट को देख सकते हैं। अमेजिंग बात ये है दोस्तों कि किसी भी मॉस्किटो की विंग्स में मौजूद ये लीफ जैसे पार्ट्स जब आपस में रब करते हैं तभी एक मॉस्किटो को उसकी वो भिनभिनाने वाली आवाज मिलती है। तो गाइज इन्हीं तरीके के और ज्यादा अमेजिंग फैक्ट्स देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 16। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि दुनिया के सबसे पहले लाइट बल्ब को साल 1879 में बनाकर तैयार किया गया था एंड मोस्ट प्रोबेबली आप में से बहुत से लोगों ने उस बल्ब की बहुत सी इमेजेस तो जरूर देखी होंगी। लेकिन सवाल तो ये है कि क्या कभी आपने उस वीडियो क्लिप को देखा है जिसमें सबसे पहली बार एक लाइट बल्ब को रिकॉर्ड किया गया था? नहीं तो चलिए आज मैं आपको कुछ एक्सक्लूसिव दिखा ही देता हूँ। दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आपको जो वीडियो क्लिप दिख रही है उसे पूरी दुनिया की सबसे पहली ऐसी वीडियो क्लिप माना जाता है जिसमें किसी भी लाइट बल्ब को रिकॉर्ड किया गया था। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इस वीडियो क्लिप में आप लाइट बल्ब के इन्वेंटर थॉमस एडिसन को भी बेहद ही साफ तौर से देख सकते हैं। सच में रेयर। फैक्ट नंबर 15। दोस्तों आपने अर्थ पर रहकर बहुत से बड़े बड़े वॉल्केनिक एक्सप्लोजन तो जरूर देखे होंगे, लेकिन क्या कभी आपने कुदरत के इसी अद्भुत नजारे को अर्थ की बजाय ISS से देखा है? नहीं तो चलिए आज मैं आपको ISS के सफर पर लेकर चलता हूँ। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो वीडियो क्लिप दिख रही है उसमें अलग अलग वॉल्केनिक एक्सप्लोजन को ISS से शूट किया गया है और इस वीडियो क्लिप को देखने के बाद आप बेहद ही साफ तौर से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि एक वॉल्केनिक एक्सप्लोजन हमें ISS से कैसा देखने को मिलता है। सच में विचित्र। फैक्ट नंबर 14। दोस्तों आपने एक से बढ़कर एक प्रैंक्स होते हुए या फिर दूसरों को खुद पर करते हुए तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपको बताया कि साल 2016 में एक ऐसे प्रैंक को भी किया गया था जो कि हमारे प्लेनेट अर्थ पर
हुआ ही नहीं था। नहीं समझे तो चलिए समझाता हूँ। असल में दोस्तों साल 2016 में जब ISS पर एस्ट्रोनॉट्स के लिए फूड और इम्पोर्टेंट सप्लाईज को भेजा गया तो नासा के द्वारा प्रैंक करने के लिए एक बैग में एक एस्ट्रोनॉट को गोरिल्ला की कॉस्ट्यूम पहना कर भेज दिया गया। जिसके बाद जैसे ही वो एस्ट्रोनॉट ISS में पहुंचा, उसने कुछ इस तरीके से बैग से बाहर आकर ISS में मौजूद एस्ट्रोनॉट्स के ऊपर प्रैंक करना शुरू कर दिया। और यही प्रैंक इंसानी इतिहास का सबसे पहला ऐसा प्रैंक भी बना जिसे अर्थ से दूर स्पेस में किसी भी इंसान के ऊपर किया गया था। सच में ऑसम। फैक्ट नंबर 13। दोस्तों हमारे देश भारत में अक्सर कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं जिसे देख हम एक तरीके से स्पीचलेस से ही हो जाते हैं। और एक ऐसा ही वाक्या अभी हमें हाल ही में राजगढ़ में भी देखने को मिला, जहां पर दोस्तों यहां के दल्लूपुरा गांव में लोगों ने कुछ इस तरीके से बहुत बड़े स्केल पर इकट्ठा होकर एक मृत्यु भोज का लुफ्त उठाया। लेकिन यहां पर सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है दोस्तों कि इस मृत्यु भोज को किसी इंसान के देहांत के बाद नहीं बल्कि एक बंदर के ठंड से खत्म हो जाने के बाद आयोजित किया गया था। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इस घटना के बाद ये भारत का अभी तक का सबसे बड़े स्केल पर आयोजित किया गया एक ऐसा मृत्यु भोज बन चुका है जिसे एक बंदर के देहांत के बाद आयोजित किया गया था। विचित्र परंतु सत्य। फैक्ट नंबर 12। दूसरे सीरीज में मैंने आपको रॉस रॉयस के द्वारा बनाई जाने वाली 30 लाख की टॉय कार को दिखाया था, लेकिन वो कहते हैं ना कि इस दुनिया में चीजें किसी भी स्केल पर जा सकती हैं, और उसी की टच पर आज मैं आपको इस पूरी दुनिया की अभी तक की सबसे महंगी टॉय कार को दिखाने वाला हूँ। दोस्तों भी आपकी स्क्रीन पर आपको जो टॉय कार दिख रही है उसे जेम्स बॉन्ड की एस्टन मार्टिन DB5 को रेप्लिकेट करके बनाया गया है। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि ये टॉय कार इस पूरी दुनिया की सबसे महंगी टॉय कार होने के साथ साथ इस पूरी दुनिया का सबसे महंगा टॉय भी माना जाता है, जिसकी कीमत इंडियन करेंसी के हिसाब से लगभग 74 लाख रुपए के आसपास है। मतलब भाई कौन है वो महान आत्मा जो इस टॉय कार को खरीदना चाहेगा, मुझे तो बस उससे मिलना है। फैक्ट नंबर 11। दूसरे सीरीज में मैंने आपको बहुत से ऐसे वॉर्म्स दिखाए हैं जिनका कि शिकार करने का अंदाज कुछ ज्यादा ही निराला होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसा वॉर्म भी मौजूद है जो कि इस कैटेगरी में सबको ही पीछे छोड़ चुका है। मिलिए हैमरहेड वॉर्म से, जो कि देखने में जितना ज्यादा साधारण है इसका शिकार करने का तरीका उतना ही ज्यादा यूनिक और खतरनाक। असल में दोस्तों ये वॉर्म अपने शिकार को पकड़कर उसको कंज्यूम करने से पहले उसकी पूरी ही बॉडी के ऊपर टेट्रोडोटॉक्सिन नाम के केमिकल को छोड़ देता है, जिसके चलते हुए उस शिकार की बॉडी चंद ही सेकंड्स में लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, और उसके बाद ये बेहद ही आसानी से उस लिक्विड को कंज्यूम कर अपने पेट को भर लेता है। डराने वाली बात ये है दोस्तों कि ये वॉर्म्स एक इंसानी स्किन को भी चुटकियों में लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, विच इज क्वाइट Unbelievable. Fact number 10. जैसे कि हम सभी जानते हैं कि युगिनी शूमेकर इस पूरी दुनिया के अभी तक के सबसे पहले और इकलौते ऐसे शख्स हैं जिनकी की राख को चांद पर ले जाकर दफनाया गया था। एंड मोस्ट प्रोबेबली आपने इस चीज को बहुत से न्यूज चैनल्स या फिर आर्टिकल्स में तो जरूर पढ़ा होगा, लेकिन एक चीज जो आज से पहले आपने नहीं देखी होगी वो है दोस्तों युगिनी की राख को मून पर दफनाने की एक्सक्लूसिव वीडियो क्लिप। दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आपको जो वीडियो क्लिप दिख रही है उसमें दो एस्ट्रोनॉट्स के द्वारा युगिनी की ऐश को चांद पर दफनाते हुए शूट किया गया है, जो अपने आप में काफी ज्यादा दिलचस्प और रेयर जरूर है। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों हमें से बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको कि काफी ज्यादा अजीबोगरीब शौक होते हैं, लेकिन क्या हो कि अगर आपके यही अजीबोगरीब शौक आपको करोड़पति बना दें। मिलिए मलेशिया में रहने वाले 22 वर्षीय गोंजाली से, जिन्हें कि रोज सोकर उठकर अपनी सेल्फी लेने का एक बेहद ही अजीब सा शौक था। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इन्होंने 5 साल तक लगातार सोकर उठकर कुछ इस तरीके से डेली अपनी सेल्फीज को क्लिक किया। उससे भी ज्यादा अमेजिंग बात ये है दोस्तों कि इन्होंने अभी हाल ही में जब इन सेल्फीज को बेचना शुरू किया तो इनका ये अजीब सा कलेक्शन मात्र 5 दिन के अंदर ही इनको 6 करोड़ रुपए की रकम दे गया, और देखते ही देखते ये 22 वर्षीय लड़का करोड़पति बन गया। मतलब की बात साफ है कि इस दुनिया में लोगों को जितने ज्यादा अजीबोगरीब शौक हैं उतने ही लोगों को अजीबोगरीब शौक उन शौकों को खरीदने के हैं। मतलब ये तो कुछ ज्यादा ही शॉकिंग हो गया। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों जहां पर अभी पूरे ही नॉर्थ इंडिया में ठंड का कहर जारी है, तो वहीं क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में हमारे देश के वीर जवानों के द्वारा नॉर्थ जम्मू एंड कश्मीर में मौजूद टेंघार सेक्टर में रूह कपा देने वाली ठंड में कुछ इस तरीके के बेहद ही यूनिक अंदाज में कुखरी डांस को परफॉर्म किया गया है, और इतनी ठंड में ऐसा कर पाना एक साधारण इंसान के लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। सच में गर्व होता है हमारे देश के इन वीर जवानों पर। तो गाइज इस फैक्ट पर, इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता ही है। फैक्ट नंबर 7।
जैसे कि हम सभी जानते हैं कि नॉर्थ कोरिया इस पूरी दुनिया की इकलौती ऐसी कंट्री है जो कि कभी चोकोपाइस पर बैन लगा देती है तो कभी अपने ही लोगों के हंसने पर। लेकिन क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में नॉर्थ कोरिया इस पूरी दुनिया की एकमात्र ऐसी कंट्री भी बन चुकी है जिसने अपने एक नागरिक पर 8000 सालों तक गेम ना खेलने का बैन लगा रखा है। असल में दोस्तों फोर्जा होराइजन 5 की जब एक यूजर ने मजाक मजाक में कुछ इस तरीके की किम जोंग उन की फोटो वाली गाड़ी को गेम में बनाया तो ये चीज किम जोंग उन के साथ साथ गेम के डेवलपर्स को भी हजम नहीं हुई और उन्होंने अपने इस गेम को नॉर्थ कोरिया में बैन होने से बचाने के लिए इस प्लेयर को ही 8000 सालों तक इस गेम से बैन कर दिया। और ये चीज अपने आप में काफी ज्यादा अजीब है जहां पर एक गेम कंपनी के द्वारा इस तरीके की अजीब सी हरकत को किया गया है। मतलब खौफ देख रहे हो इन महाशय का। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको पता है कि विश्व भर में फैली हुई महामारी के बीच चाइना में आयोजित होने वाले विंटर ओलंपिक्स का स्वरूप इस बार कुछ ज्यादा ही रोबोटिक होगा। असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा लेकिन चाइनीज गवर्नमेंट के द्वारा ओलंपिक्स के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाले सभी रेस्टोरेंट्स को ट्रांसफॉर्म करके उन्हें कुछ इस तरीके के रोबोटिक्स रेस्टोरेंट बना दिया गया है। अमेजिंग बात ये है दोस्तों कि इन रेस्टोरेंट्स में क्लीनिंग से लेकर फूड की सर्विस और यहां तक कि ऑर्डर लेने तक के सभी कामों को कुछ इस तरीके से रोबोट्स की मदद से किया जाएगा। और वास्तव में ये चीज अपने आप में काफी ज्यादा हाईटेक और क्रिएटिव जरूर है। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है कि यूजली ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले लॉरिकीट्स पैरट्स को इस पूरी दुनिया के सबसे ज्यादा स्ट्रेंज पैरट्स में से भी एक पैरट माना जाता है और ऐसा सिर्फ इसकी ईटिंग स्टाइल की वजह से होता है। असल में दोस्तों ये पैरट्स दुनिया के इकलौते ऐसे पैरट्स हैं जिनकी की टंग नॉर्मल शेप की बजाय कुछ इस तरीके से बेहद ही स्ट्रेंज और अजीब सी एक्स्ट्रा ग्रिपिंग वाली शेप में ग्रो होती है जिसकी वजह से ये काफी बड़े बड़े और अजीब से फूड्स को भी बेहद ही आसानी से पकड़ कर खा जाते हैं। सच में स्ट्रेंज। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों अगर किसी भी इंसान को कोई दूसरा इंसान पसंद आ जाता है तो वो उससे शादी करने का हर संभव प्रयास करता है लेकिन क्या आपको पता है कि ये चीज किसी दूसरे इंसान तक ही सीमित नहीं है। मिलिए एज़ा रिता से जो कि दुनिया की इकलौती ऐसी महिला हैं जिन्होंने किसी इंसान से नहीं बल्कि एक दीवार से ही शादी कर रखी है। असल में दोस्तों इन्होंने बर्लिन की मशहूर दीवार बर्लिनर मौर को जब 7 साल की उम्र में टीवी पर देखा तो वो उसे देखते ही इस दीवार की दीवानी हो गई। अमेजिंग बात यह है दोस्तों की दीवानगी सिर्फ प्यार तक ही सीमित नहीं रही। इसके बाद इन्होंने साल 1970 में अपने परिवार और दोस्तों के साथ बर्लिन की उसी मशहूर वॉल के साथ पूरे ही रीति रिवाज के साथ शादी कर डाली। अजीब लेकिन सच। फैक्ट नंबर 3, दूसरा वाला फैक्ट करंट अफेयर की टच पर है। क्या आपको बताया गया अभी हाल ही में 16 वर्षीय तस्मिन मीर BWF जूनियर रैंकिंग अंडर 19 गर्ल्स सिंगल में फर्स्ट पोजीशन हासिल करने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। सच में गर्व होता है इस नन्ही सी परी पर। फैक्ट नंबर 2, ट्रूकॉलर कॉल आने से पहले ही हमें ये कैसे बता देता है कि कौन सा शख्स हमें कॉल करने वाला है। असल में दोस्तों अगर आपने भी इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया होगा तो आपने इस चीज को नोटिस तो जरूर किया होगा कि ये एप्लीकेशन नोटिफिकेशन के थ्रू कॉल आने से पहले ही हमें ये बता देती है कि सामने से कौन सा इंसान हमें कॉल करने वाला है। लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? असल में दोस्तों इसका जवाब खुद इस स्वीडिश कंपनी ने अपने एक ब्लॉग में दिया था जिसके अनुसार उनकी ये एप्लीकेशन सेलुलर नेटवर्क की बजाय इंटरनेट का इस्तेमाल करती है। आप क्योंकि वाईफाई या फिर 4G सेलुलर नेटवर्क से काफी ज्यादा तेज होते हैं तो यही वो कारण है जिसके चलते हुए ये एप्लीकेशन कॉल कनेक्ट होने से भी 3 से 4 सेकंड पहले नोटिफिकेशन के थ्रू हमें ये बता देती है कि सामने से कौन सा इंसान हमें कॉल करने वाला है। सच में आज की टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा एडवांस जरूर हो गई है। फैक्ट नंबर 1, 5G में आखिर एयरटेल जियो को कैसे पछाड़ देगी। असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा लेकिन हमारे देश में मौजूद बहुत से बड़े बड़े एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि 5G सेक्टर में एयरटेल बेहद ही आसानी से जियो को पछाड़ कर सरताज बन जाएगा। लेकिन आखिर ऐसे कयास लगाए ही क्यों जा रहे हैं? असल में दोस्तों इस चीज की शुरुआत साल 2016 में हुई जब एयरटेल ने सबसे पहली बार वीडियोकॉन टेलीकम्युनिकेशन नाम की कंपनी को खरीदा जिसके बाद उसने टेलीनॉर, एयरसेल और टाटा डोकोमो जैसी कंपनी को भी कर्ज से निकालने के लिए उन्हें भी खरीद डाला। लेकिन आखिर इन कंपनीज को खरीदना और 5G में किंग बनने में आपस में क्या कनेक्शन है? असल में दोस्तों जैसे ही एयरटेल ने इन सारी टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज को खरीदा एयरटेल के पास इंडिया
में सबसे ज्यादा बड़े स्केल पर स्पेक्ट्रम हो गए, जिसके चलते हुए उनका नेटवर्क देश के कोने कोने में एक ही झटके में पहुंच गया। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि जिस एरिया में उन्हें अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कराने के लिए एक टावर की ही जरूरत थी, उसी एरिया में इस मर्जर के बाद उनके पास 3 या फिर उससे भी ज्यादा टावर्स आ गई, जिसके चलते हुए एयरटेल उन एरियाज में भी काफी ज्यादा हाई स्पीड इंटरनेट और वीडियो कॉलिंग जैसे फीचर्स देने लगा, जहां अभी तक भी जियो प्रॉपर तरीके से नहीं दे पा रही है। अब दोस्तों बात अगर इसके बाद के सबसे बड़े चेंजेस की जाए तो वो हमें साल 2020 में देखने को मिला। असल में दोस्तों जैसे ही विश्व भर में वायरस की महामारी बढ़ने लगी, वैसे ही एयरटेल को ये समझ आ गया कि आगे आने वाले समय में हमारे देश में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, जिसके चलते हुए उसने लॉकडाउन के पीरियड में ही देखते ही देखते अपने हाई स्पीड ब्रॉडबैंड को देश के कोने कोने तक फैलाना शुरू कर दिया। और ये प्लान कितना ज्यादा सक्सेसफुल साबित हुआ इस बात का अंदाजा आप सिर्फ इसी चीज से लगा सकते हैं कि सितंबर साल 2020 में सामने आए आंकड़ों के अनुसार भारत में लगभग 90 लाख नए ब्रॉडबैंड कनेक्शंस को लगाया गया, जिसमें से 17 लाख जियो ने लगाए जबकि 70 लाख एयरटेल ने, जिसके चलते हुए एक बार फिर से भारत में लोगों का एयरटेल के ऊपर विश्वास बढ़ने लगा। साथ ही साथ एयरटेल भारत की सबसे पहली ऐसी कंपनी भी बनी जिसने 5G की सक्सेसफुल टेस्टिंग करके उसे डेमोंस्ट्रेट करके दिखाया। और इसी चीज के लिए इस कंपनी ने अपनी एक दूसरी कंपनी वन वेब से 36 लोअर ऑर्बिट वेबसाइट्स को लॉन्च किया, जिसके चलते हुए एयरटेल ने अब तक लगभग 206 सैटेलाइट्स को स्पेस में सिर्फ इसलिए लॉन्च किया है ताकि वो मिड 2022 तक भारत के अंदर फुल सैटेलाइट ब्रॉडबैंड के साथ साथ हाई स्पीड 5G नेटवर्क को भी लोगों को प्रोवाइड करा सके। जबकि बात अगर जियो की जाए तो जियो प्रेजेंट डेट में हमें इस सेक्टर में ज्यादा एक्टिव नजर नहीं आ रहा है, और यही वो कारण है जिसके चलते हुए बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को शायद कुछ ऐसा लग रहा है कि 5G सेक्टर में इस बार एयरटेल जियो को पछाड़ देगा। हालांकि ऐसा होगा या फिर नहीं, इसका पुख्ता रिजल्ट तो जियो की आगे आने वाली रणनीतियों से ही हमें समझने को मिलेगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या 5G में एयरटेल ज्यादा अच्छी सर्विस प्रोवाइड करेगा या फिर जियो? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों किसी ने खूबी कहा है कि प्यार ज्ञान जितना ज्यादा बांटा जाए उतना ही कम है, तो इस वीडियो को दिल खोलकर लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां भी मैं शॉर्ट शॉर्ट फैक्ट्स और बाइक मोमेंट्स को टाइम टू टाइम शेयर करता रहता हूं। साथ ही साथ अपनी नॉलेज को और ज्यादा बूस्ट करने के लिए आप इस प्लेलिस्ट को भी चेकआउट कर सकते हैं। जय हिंद।